हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ प्लम। प्लम तो नहीं है ये, मतलब हम लोग लोकल में बोलते हैं इनको मथले। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना मुझे। ये प्लम थोड़ा सा खट्टा होता है लेकिन ये काफ़ी मीठा होता है, और प्लम से थोड़े से छोटे साइज़ का होता है। तो आप देख सकते हैं खेतों में, ये मैं मायके में बना रही हूँ वीडियो। देख सकते हैं आप कितने भर भर के लगे हैं, और इनका साइज़ प्लम से थोड़ा छोटा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैरीपोजा लगा हुआ। मैरीपोजा भी बिल्कुल ग्रीन है, ये कुछ टाइम बाद पकेगा। तो मैं कुछ, ये जिनको हम बोलते हैं मथले, कुछ लोग इनको चरिया बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना मुझे। तो इनको मैंने तोड़ा और साथ में मैं गई ये दूसरे पेड़ के पास, इसमें ब्लैक हैमर जो प्लम की एक ब्राइटी है वो लगे है भर भर के। तो एक दो मैं इनको ले गई हूँ खाने के लिए। देख सकते हैं आप इस पेड़ में कितने भर भर के लगे हैं। तो ये खाने में काफ़ी खट्टे हैं अभी, अब देखने में लग रहा है कि ये शायद बहुत ही अच्छे होंगे खाने को, लेकिन खाने में काफ़ी खट्टे हैं। ये देखो मुझे वीडियो को उल्टी ही बना दिया। और इसके बाद मैं दोबारा गई खेत को, फिर से मैंने एक बार ये वीडियो बनाई खेत में जाकर। और जब मैं घर वापस आई तो मैंने इनको किया टेस्ट, ये बहुत ही पक चुके हैं। खाने में बहुत टेस्टी लग रही है, दो तीन मैंने इसी टाइम खा लिए। इसके अंदर छोटी सी गुठली भी है तो काफ़ी टेस्टी है। और इनको खाने के बाद मैं थोड़ी देर बाद दोबारा खेत गई तो मुझे नाशपाती दिख गई वहाँ पे। तो देख सकते हैं आप नाशपाती के पेड़ में नाशपाती लगी हुई है। ओके गाइस, फिर मैंने एक नाशपाती खाने के लिए तोड़ दी थी। नाशपाती तो अभी ग्रीन ही है, पकी नहीं है। इट्स बाय बाय।